जय हिंद दोस्तों, आज हमारा एलसीएम एसटीएफ का सेकेंड क्लास है। देखिए, इस क्लास में हम एक बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या है आज का, वो आपके सामने दिख गया होगा। तो इससे पहले के क्लास में हम एलसीएम एसटीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहला पार्ट जा करके देखिए, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या रहा, कहता है कि वैसी संख्या के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका म/16 और ल/80 हो। म/16 और ल/80 हो, म/कहने का क्या मतलब समझते हैं कि एचसीएफ 16 दिया गया है और एलसीएम जो है 80 दिया गया है। और जब जोड़ा वाला आपको क्वेश्चन पूछ देना, प्रश्न कर दे कि कितना जोड़ा संभव है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि संख्या बराबर जो आप मानिएगा, एचसीएफ जो देगा ना उसमें आप ए बी लगा करके मान सकते हैं। तो संख्या जो है एगो 16 ए हो जाएगा और दूसरा आपका 16 बी हो जाएगा। जब जोड़ा वाला क्वेश्चन पूछ देगा तब पहले संख्या ए बी आप मान लीजिए, ठीक। अब क्या कहा कि ई वो संख्या 16 ए हो गया, दूसरा संख्या 16 बी हो गया और उसका आपको एलसीएम 80 दिया हुआ है। तो 16 ए और 16 बी का आप एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा। तो बिल्कुल कह दीजिएगा कि 16 ए बी आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये दोनों संख्या का एलसीएम 16 ए दिया, जबकि वैल्यू कितना है 80 दिया गया, तो ये 80 हो जाएगा। अब 16 से ये बिल्कुल कट जाएगा 5 बार में, यानी ए और बी कितना हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। तो संख्या एगो ए आएगो बी था संख्या, ठीक। तो अब एक जगह एक रखेंगे, इसके बीच में कुछ न तो गुणा का चिन्ह है, तो 5 बराबर कितना पड़ जाएगा, 5 पड़ जाएगा। और कोई संख्या ऐसा है जो दोनों को गुणा करने से 5 पड़ जाए, एकदम परफेक्ट वाला संख्या होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एगो एक रख लिए, एगो 5 रख लिए। आप कहिएगा कि नहीं, ए के जगह आप 5 रखिए और बी के जगह 1 रखिए, तो भी 5 पूरा जाएगा। लेकिन देखिए, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, रिपीट ना हो रहा है, तो रिपीट नहीं होना है, रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसमें क्या देखें कि एक जोड़ा संभव है। क्या जोड़ा संभव है, एक जोड़ा संभव है। इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए हैं तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने हम लाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन से आप बिल्कुल क्लियर कट समझ जाइएगा, क्वेश्चन क्या कहा है दूसरा वो समझ लीजिए। ऐसे संख्या के कितने युग्म संभव है जिनका म/16 और गुणनफल 71/68 हो। म/16 गुणनफल 71/68 हो, मतलब इसमें आपको क्या दिया है, एचसीएफ तो इसमें भी 16 दिया है, लेकिन आपको गुणनफल जो है, संख्या का गुणनफल जो दिया है वो आपको 71/68 दिया गया है। 71/68 दिया है गुणनफल, तो आपको क्या करना है, संख्या जो आप मानते हैं, संख्या क्या मानते हैं, 16 ए और 16 बी मानते हैं, यही ना मानते हैं, 16 ए और 16 बी मानते हैं। तो संख्या मान लिए 16 ए और 16 बी, और दोनों संख्या का गुणनफल 71/68 है, तो आप क्या कीजिए, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर लिख दीजिए 71/68, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 से ही निश्चित कट जाएगा, 16 से ही कट जाएगा, 16 चक्का 64 का 4 हो जाएगा, बच जाएगा 6 बच जाएगा, आप उधर से बच जाएगा 1, तो 6 1 7 यानी 7 76, फिर यहाँ से 4 बार में जाएगा 16 चक्का 64, और उधर से 12 1 28 16 8 28 से मतलब 8 हो जाएगा, 448 बार में कट जाएगा। और 16 से ही निश्चित तौर पर कट जाएगा, कई बार में कट जाएगा, तो 16 2 32 का 2 हो जाएगा, और 16 8 28 से हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या देख रहे हैं, ए या गुणे बी कितना मिल रहा है आपको, 28 में मिल रहा है। तो ए और बी के जगह कौन कौन संख्या रखिएगा जितना गुना करने से 28 पूर जाए। तो देखिए, आपको वैसा संख्या रखना है बीच में एक के अलावा दूसरा कॉमन न मिलेगा। जैसे देखिए, एक रख देंगे, एगो रख देंगे, 28 रख देंगे, तो 28 पूर जाएगा कि नहीं पूर जाएगा, बिल्कुल पूर जाएगा। अब दूसरा कहेगा कि 2 रख दीजिए या 14 रख दीजिए, तो 14 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 2 और 14 में कॉमन है ना एक के अलावा, 2 देखिए 1 और 28 में आपको एक के कॉमन था, तो वैसा 2 संख्या लेना है जेकरा बीच कॉमनमा जो है, कॉमनमा एक के अलावा कोई दूसरा ना हो। तो 2 और 14 में कॉमन तो 2 भेटा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, एगो 2 से कट जा रहा है, तो कॉमन तो ये नहीं होगा। अगर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन मिल रहा है तो उसको नहीं लिखना है, तो वो खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, तो 2 ले लिए और उसके बाद 4 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, तो 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आप एगो देख रहे हैं कि एगो 1 28 वाला मिला और एगो 7 28 वाला मिला। आगे जाइएगा, आप आगे जाइएगा तो फिर लीजिएगा कितना, 7 और 4, तो 7 4 फिर रिपीट हो गया, तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में कई गो जोड़ा संभव हो गया, तो इसमें हम लिख देंगे कि 2 गो जोड़ा संभव है। कितना जोड़ा संभव है, 2 जोड़ा संभव है।
चलिए हम तीसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, क्या कहा गया है समझ लेते हैं। ऐसे संख्या के कितने युग्म संभव है जिनका मौ 37 और युगफल जो दिया गया है आपको, युगफल दिया गया है 528, ठीक है। मतलब HCF 33 और युगफल 528 दिया गया है, तो भाई HCF आपको दिया गया है 33 और युगफल जो दिया गया है इस बार, किसी तरह से पूछ सकता है, LCM गुणनफल को छोड़ के पूछ सकता है, आपको इस बार युगफल जो दिया गया है वो 528 दिया गया है, ठीक है। संख्या आप मान लीजिए, संख्या कैसे मानते हैं, तो एगो हो जाएगा 33 ए हो जाएगा और एगो हो जाएगा 33 बी हो जाएगा, ठीक है। और युगफल 528 दिया गया है तो यहाँ आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 528 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसमें से 33, ठीक। अब ऐसा नहीं कि 33 से इसको काट दिया फिर 33 से जो कट के आएगा, नहीं तो प्लस है तो इसलिए नहीं कटेगा, कॉमन ले लेंगे ए या प्लस बी हो जाएगा, अब बराबर कितना 528 हो जाएगा। अब 33 से निश्चित तौर पर कट जाएगा, यानी ए या प्लस बी देखिए क्या बार में कटता है, 33 दुना 66 नहीं जा सकते, 33 इकैया 33 जाएंगे, 33 छाता कट गया यानी 16 बार में, यानी ए या प्लस बी कितना आ गया 16 आ गया, तो ए के जगह क्या रखिएगा बी के जगह क्या, तो पहले एक हो जाएगा आप प्लस एक 15 हो जाएगा, तो एक का 15 कितना पड़ जाएगा 16 पड़ जाएगा। उसके बाद 2 का 14 नहीं ले सकते, अगर 2 का प्लस 14 सोच रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि 2 का 14 कॉमन हो जाता है, ठीक है, ठीक। चलिए अब क्या ले लेते हैं यहाँ से, तो अब हम ले लेते हैं एक 3 ले लेते हैं आप प्लस का 13 ले लेंगे तो 3 और 13 16 हो जाएगा। अब क्या ले सकते हैं, 4 और 12 नहीं ले सकते, 5 11 ले सकते हैं, 5 और प्लस 11 हम ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं वो देख लेते हैं। अब 6 और 10 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं आप प्लस का 9 ले सकते हैं, 7 9 16 हो जाता है। अब क्या 8 और 8 नहीं ले सकते हैं, ठीक है 8 8 तो नहीं ले सकते हैं। अब फिर जाएंगे 9 वाला में तो 9 और प्लस 7 करेंगे तो देखिए 7 और 9 रिपीट हो चुका है, तो ये पहले नहीं होगा, तो एगो ई जोड़ा हो गया, एगो ई जोड़ा और एगो ई जोड़ा, तो कैगो जोड़ा इसमें संभव हुआ, 4 जोड़ा इसमें संभव हो गया, 4 जोड़ा संभव है, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो जरा आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि संख्या के ऐसे कितना जोड़ा संभव है जिसका मौ 115 और ल 117 है, जिसका आपको मौ 100 यानी HCF जो दिया गया है वो 15 दिया गया है और LCM जो दिया गया चौथा क्वेश्चन में LCM आपको 17 दिया गया है। तो देखिये एगो बात आपको हम बेसिक क्लास में पढ़ाए थे कि जो HCF होता है, HCF ये जो HCF जो होता है LCM को हमेशा पूरी तरह से काट देता है, मतलब LCM में अगर हम HCF से भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट के आएगा, ये जो आएगा वैल्यू यहाँ वो पूरा तरह से कट के आएगा। क्या यहाँ ऐसा सिचुएशन हो रहा है क्या, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऐसा सिचुएशन हो रहा है 17 में अगर हम 15 से भाग देते हैं तो दशमलव में आ जाएगा, मतलब 1 point something आ जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा कटा नहीं, मतलब ऐसा कोई संख्या होगा ही नहीं जिसका HCF 15 होगा और LCM 17 होगा। तो जब संख्या है ही नहीं तो हम जोड़ा क्या बनाए, किसका जोड़ा बनाए, बना ही नहीं सकते हैं। इस सब में भी देखेगा तो यहाँ के 80 में 16 से भाग देंगे तो 5 बार में कट गया था। LCM HCF में ही नहीं रूल होता है कि जो HCF जो होता है LCM को हमेशा पूरी तरह से विभाजित कर देता है, तो इस क्वेश्चन में क्या लगा हम देख लिए कि HCF 15 दिया LCM 17 दिया, तो कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसका HCF 15 और LCM 17 हो जाए। तो चलिए कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।